अच्छा जी, सवाल देखिए 25th है। अच्छा, टू कंट्रीज नॉर्थ लैंड एंड साउथ लैंड प्रोड्यूस टू गुड्स, फूड एंड ड्रिंक। द टेबल शोज हाउ मेनी आवर्स ईच हैज टू यूज टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा पहले यहीं पर रुक जाते हैं। इसका मतलब है आपको जो नॉर्थ लैंड में 10 आवर्स फूड के नजर आ रहे हैं और 4 आवर्स ड्रिंक के नजर आ रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं कि नॉर्थ लैंड 10 घंटे में 1 यूनिट फूड का बनाता है, ठीक है, और इसी तरह 4 घंटे नॉर्थ लैंड लेता है और 1 यूनिट ड्रिंक का बनाता है, ठीक है, ये आपको बताऊंगा। साउथ लैंड भी ऐसे ही करता है, वो 20 आवर्स लेता है फूड के यूनिट बनाने में, 1 यूनिट बनाने में, और 12 आवर्स लेता है ड्रिंक का 1 यूनिट बनाने में। अच्छा, आगे मैं पढ़ता हूँ कि आफ्टर स्पेशलाइजिंग अकॉर्डिंग टू कंपेरेटिव एडवांटेज दे डिसाइड टू ट्रेड। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात कि कंपेरेटिव एडवांटेज क्यों लिया स्पेशलाइजेशन करने के लिए, क्योंकि हमारे पास एक तरीका तो है एब्सोल्यूट एडवांटेज, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नॉर्थ लैंड जो है वो फूड जो है वो 10 घंटे में बना रहा है, कंपेयर टू नॉर्थ साउथ लैंड जो कि 20 आवर्स ले रहा है। इसका मतलब है नॉर्थ लैंड हैज अ क्लियर एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड एज कंपेयर टू साउथ लैंड। दूसरा, जो ड्रिंक की अगर बात करें तो नॉर्थ लैंड को ड्रिंक में भी एब्सोल्यूट एडवांटेज है, क्योंकि वो सिर्फ 4 घंटे ले रहा है ड्रिंक बनाने में और साउथ लैंड 12 आवर्स ले रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं नॉर्थ लैंड हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ फूड एंड ड्रिंक इन कंपेरिजन टू साउथ लैंड। तो इसका मतलब है जब ऐसे हो कि एक कंट्री को दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज हो, तो फिर स्पेशलाइजेशन की बेसिस आपकी चेंज हो जाती है, वो फिर एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं आप देखेंगे, आप देखेंगे कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक है। और कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है कि किस कंट्री की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है एक चीज को बनाने में, जिस कंट्री की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगी टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट वो उसका कंपैरेटिव एडवांटेज होगा ओवर द अदर कंट्री। अच्छा, ये तो मैं समझ आ गया, तो इसलिए उसने लिखा है कि वो कंपैरेटिव एडवांटेज की बेस पे स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं और उसके बाद ट्रेड करेंगे या डिसाइड करेंगे ट्रेड के बारे में। अच्छा, सवाल क्या है? सवाल है कि विच एक्सचेंज रेट विल अलाउ बोथ कंट्रीज टू बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड, यानी कि ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा जो एक्सचेंज रेट है वो फॉलो किया जाएगा। अच्छा, अब ये करेंसी का एक्सचेंज रेट नहीं है, ये चीजों का एक्सचेंज रेट है, ठीक है, कि कौन सा एक्सचेंज रेट जो है वो दोनों कंट्रीज को एक्सेप्टेबल होगा, सवाल ये है। तो अब इसके लिए हमें क्या देखना है, क्योंकि ये उन्होंने हमें इसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले निकालनी पड़ेगी, क्यों? उससे हमें ये पता चलेगा कि किस कंट्री को किस चीज में कंपैरेटिव एडवांटेज है, और फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा कंट्री क्या बनाएगा, और फिर ही हम इसका जवाब दे सकते हैं। तो हम ये करते हैं कि अगर हमने नॉर्थ लैंड को लेना है, हम ये नॉर्थ लैंड को लेते हैं, तो अगर नॉर्थ लैंड ने 1 यूनिट बनाना है इसका फूड का, तो उसको कितने यूनिट छोड़ने पड़ेंगे ड्रिंक के? आसान तरीका, वो 10 घंटे ले रहा है उसमें 4 घंटे ले रहा है, तो 10/4। आई होप तो आपको ये तो आता ही होगा, सिंपल मैथ ही है। ये आ गया 2.5। इसका मतलब है कि नॉर्थ लैंड जो है वो अगर 1 यूनिट फूड का बनाएगा तो उसको 2.5 यूनिट्स ड्रिंक के छोड़ने पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो 1 यूनिट फूड का 10 घंटे में बनाता है और ड्रिंक का 4 घंटे में बना लेता है, तो 2. अगर 4 का 2.5 टाइम्स 10 होता है ना, तो इसलिए 2.5 जो यूनिट्स हैं वो ड्रिंक के छूट जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से हम अब देख लेते हैं साउथ लैंड को भी, तो वो मैं साउथ लैंड का यहाँ पर निकाल लेते हैं। साउथ लैंड जो है अगर वो बनाता है 1 यूनिट ऑफ फूड, तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? नॉर्थ लैंड की तो देख ली ना कि उन 1 यूनिट फूड का बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 2.5 यूनिट्स ऑफ ड्रिंक, ठीक है। अच्छा, अब साउथ लैंड को देख लेते हैं, तो 1 यूनिट ऑफ फूड अगर वो बनाएंगे तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या? अब आप गौर करो, 20 आवर्स फूड में ले रहे हैं, ड्रिंक में 12 आवर्स ले रहे हैं, तो इसका मतलब है आप क्या करेंगे जी, 20/12,
ये आंसर आ जाएगा हमारा करीबन 1.67। मैंने ये कैलकुलेशन पहले करके रखी हुई है ताकि प्रॉब्लम ना हो। अच्छा आई आई होप कि यही आता है आंसर इसका। मैं देख लेता हूँ कि मैंने क्या निकाला हुआ। जी 1.67 ही आ रहा है, 1.67। ये क्या हो गया? ये यूनिट्स ऑफ ड्रिंक। ठीक है, यानी कि साउथलैंड जो है अगर एक यूनिट फूड का बनाएगा तो उसे उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 1.67 यूनिट्स ऑफ ड्रिंक। ठीक है, अच्छा इसका मतलब है, अब आप गौर करो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी कम है फूड बनाने में? नजर आ रहा है नॉर्थलैंड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2.5 है ड्रिंक की, जबकि जो साउथलैंड है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? 1.67 ड्रिंक। इसका मतलब है कि साउथलैंड को कंपैरेटिव एडवांटेज है फूड बनाने में। आई रिपीट, साउथलैंड को फूड बनाने में कंपैरेटिव एडवांटेज है क्योंकि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फूड बनाने की नॉर्थलैंड से कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कि साउथलैंड बनाएगा फूड और नॉर्थलैंड को बनाने देंगे ड्रिंक। ठीक है, अच्छा ये अंडरस्टूड सी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एक कंट्री को एक चीज में एब्सोल्यूट एडवांटेज सॉरी कंपैरेटिव एडवांटेज है तो अंडरस्टूड है कि दूसरे कंट्री को दूसरी चीज में कंपैरेटिव एडवांटेज होगा। ये मैं निकाल के भी दिखा सकता हूँ लेकिन बात बहुत लंबी हो जाएगी। इसको आप समझ लें कि अगर एक कंट्री को एक चीज में कंपैरेटिव एडवांटेज है तो अंडरस्टूड है कि दूसरे कंट्री को दूसरी चीज में कंपैरेटिव एडवांटेज होगा। अच्छा अब, और या वो इस तरह की आपको वैल्यूज देंगे कि ऐसा ही होगा। अच्छा अब मैं, और यहाँ पर ऐसा ही है इस केस में। अच्छा अब ये तो समझ आ गई कि साउथलैंड ने फूड प्रोड्यूस करना है और नॉर्थलैंड ने ड्रिंक प्रोड्यूस करना है। अब ये देख लेते हैं कि इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो हम जल्दी से देखते हैं। ये मैं नीचे कर लेता हूँ, मैं पहले लेता हूँ जी नॉर्थलैंड, इसको एन से शो कर लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्थलैंड की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यहाँ मैं लेता हूँ फूड और यहाँ लेता हूँ ड्रिंक। तो नॉर्थलैंड अगर एक फूड का यूनिट बनाता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 2.5, और अगर साउथलैंड एक यूनिट फूड का बनाता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनती है 1.6। ठीक है, यही निकाला है ना हमने अभी। अच्छा अब हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला है 1 यूनिट ऑफ फूड टू 1/2 यूनिट ऑफ ड्रिंक। फूड बना कौन रहा है? फूड बना रहा है साउथलैंड। तो साउथलैंड अगर एक फूड का यूनिट बना के देगा, ठीक है, बनाकर देगा किसको? नॉर्थलैंड को, तो उसके 1.67 ड्रिंक्स नहीं बनेंगे, तो उसको बदले में 1.67 ड्रिंक से ज्यादा चाहिए। अंडरस्टूड है? देखो उसको यहाँ कितना मिल रहा है पहले ऑप्शन में 1/2 यानी कि 0.5। तो वो पागल थोड़ी है, तो कहेगा भी मैं फूड का एक यूनिट तुझे दूँ तो उसके बदले में मेरी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 1.67 आ रही है और बदले में मुझे 0.5 यूनिट सिर्फ मिले, 0.5 यूनिट सिर्फ मिले। अच्छा तो वो तो उसके काबिले कबूल नहीं होगा। अच्छा तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे बी पे आ जाओ। अब बी में भी है 1 यूनिट ऑफ फूड टू 1 यूनिट ऑफ ड्रिंक, ये भी से काबिले कबूल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक फूड के बदले में उस अगर वो बनाता है और फिर किसी को दे देता है तो वो फूड तो देगा लेकिन उसको बदले में 1.67 एटलीस्ट ड्रिंक चाहिए या इससे ज्यादा चाहिए, क्योंकि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। उसका ड्रिंक 1.67 से कम हो गया उसको, यानी कि गैस की ये वो लूज कर देगा 1.67 यूनिट्स ऑफ ड्रिंक, तो उसे बी भी कबूल नहीं है। अगर आप सी को देखो तो सी उसको कबूल होगा क्योंकि ये 1.67 से ज्यादा ड्रिंक मिल रहे हैं, यानी कि एक यूनिट ऑफ फूड वो बनाएगा और दे देगा नॉर्थलैंड को और बदले में नॉर्थलैंड उसको 2 यूनिट्स ऑफ ड्रिंक दे देगा, तो कहेगा गुड। क्यों? क्योंकि उसके जो छूट रहे हैं वो ड्रिंक छूट रहे हैं 1.67 और बदले में उसको मिल रहे हैं 2 यूनिट्स ऑफ ड्रिंक, तो उसका तो फायदा हो गया। साउथलैंड तो एग्री करेगा, ठीक है। अच्छा नॉर्थलैंड एग्री करेगा कि नहीं करेगा ये हम बाद में बात करते हैं, लेकिन अगर आप डी पे आ जाएं तो डी में भी यही लग रहा है कि डी भी साउथलैंड कबूल कर लेगा। क्यों? एक यूनिट के बदले फूड के बदले में उसे 3 यूनिट ऑफ ड्रिंक मिल रहे हैं, छूट कितने रहे हैं? 1.67। ठीक है, यहाँ पर भी कहेगा मजे लग गई, 1.67 छूट रहा है, मिल 3 यूनिट ड्रिंक के रहे हैं। ठीक है, तो सी और डी दोनों एक्सेप्टेबल हैं किसको? साउथलैंड को, ठीक है, लेकिन नॉर्थलैंड को कबूल नहीं है। ठीक है, ए और बी तो हमने देख लिए, वो तो रिजेक्ट हो गए क्योंकि वो साउथलैंड को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब सी और डी नॉर्थ साउथलैंड को तो सॉरी उल्टा बोल गया मैं, कि ए और बी ऑप्शन जो है
वो साउथ लैंड को एक्सेप्टेबल नहीं है, मैंने आपको जो बताया, ठीक है। और सी और डी दोनों एक्सेप्टेबल हैं, किसको? साउथ लैंड को। तो ए और बी तो निकल गए ना, ठीक है। अब सी और डी पे आ जाए। अब मैं आपसे कहता हूँ, जरा गौर करो अब, कि जो नॉर्थ लैंड है वो क्या बना रहा है? नॉर्थ लैंड बना रहा है ड्रिंक्स, ठीक है। तो अब इसी ऑप्शन को देख लें, नॉर्थ लैंड में कोई और कलर ले लेता हूँ। नॉर्थ लैंड अगर बना रहा है 2.5 ड्रिंक्स बनाता है ना, तो एक यूनिट फूड का छूटता है, ऐसे ही है ना, नजर आ रहा है। 2.5 यूनिट्स ड्रिंक के बनाता है तो एक यूनिट फूड का छूट जाता है। तो वो अगर 2 यूनिट्स, अब सी, अब वो आप सी को ले लो, तो सी में वो अगर 2 यूनिट्स देगा तो उसे एक फूड का यूनिट मिल रहा है, तो वो तो कहेगा ओके। यानी कि सी जो है वो नॉर्थ लैंड को भी एक्सेप्टेबल है, क्यों? क्योंकि वो 2.5 यूनिट्स बनाता है तो एक फूड का यूनिट छूटता है, लेकिन उसे सिर्फ 2 यूनिट्स ड्रिंक के बनाकर ही एक यूनिट फूड का मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो जब 2 यूनिट बनाएगा ना, तो बनाकर वो दे देगा साउथ लैंड को और बदले में 1 यूनिट ले लेगा, तो ये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बीच में फॉल कर रहा है, ये इसको एक्सेप्टेबल है। अच्छा, डी को देख लो, डी एक्सेप्टेबल नहीं होगा नॉर्थ लैंड को, क्यों? क्योंकि वो 3 अगर ड्रिंक बनाकर देगा साउथ लैंड को, तो उसे 1 यूनिट फूड का मिलेगा, जबकि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है कि वो भाई 2.5 यूनिट्स बनाता है तो एक फूड का यूनिट उसका छूटता है। तो वो कहे भाई मैं अच्छा 3 यूनिट बनाऊं और उसको दे दूं और बदले में मुझे मिले 1 ही यूनिट फूड का, तो ये तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में फॉल नहीं कर रहा। या तो होता कि वो कहता कि जी 2.5 यूनिट्स मैं दूंगा और 1 यूनिट फूड का मिल जाएगा, तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ही फॉल कर रहा है, ये मिनिमम एक्सेप्टेबल रेंज है। लेकिन 3 यूनिट देकर 1 यूनिट फूड का लेना उसको एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में फॉल नहीं कर रहा, क्योंकि वो 2.5 यूनिट्स के बदले में चाह रहा है कि एक फूड का यूनिट जो छूट रहा है वो मिले। अगर वो 3 यूनिट्स बनाएगा ड्रिंक के और देगा, तो 1 यूनिट से ज्यादा फूड छूट जाएगा फिर तो, ठीक है। तो इसलिए टी जो है वो किसको एक्सेप्टेबल नहीं होगा? नॉर्थ लैंड को। तो सिर्फ सी है जो साउथ लैंड को भी एक्सेप्टेबल है और नॉर्थ लैंड को भी एक्सेप्टेबल है। तो कंपेरेटिव एडवांटेज कैसे निकालते हैं, कि आपने देखना होता है कि जो एक्सचेंज रेट है क्या वो दोनों कंट्रीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बीच में फॉल कर रहा है, वेदर द एक्सचेंज रेट इज वेदर द एक्सचेंज रेट फॉल्स बिटवीन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज ऑफ बोथ द कंट्रीज। अगर तो वो फॉल कर रहा है तब ही वो एक्सचेंज रेट एक्सेप्टेबल होगा टू बोथ कंट्रीज। तो ये जो सी ऑप्शन है ये दोनों कंट्रीज को एक्सेप्टेबल है। आप दोबारा से बता देता हूँ, सी ऑप्शन कि 1 यूनिट ऑफ फूड और उसके बदले में 2 ड्रिंक्स अगर मिल रहे हैं तो साउथ लैंड को एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि साउथ लैंड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 1 यूनिट अगर वो फूड का बनाता है तो 1.67 छूटता है ड्रिंक के यूनिट्स, तो उसे 1 के बदले में 2 यूनिट्स मिल रहे हैं, वो तो खुश हो जाएगा, ठीक है। नॉर्थ लैंड को ले लो, वो 2.5 यूनिट्स अगर ड्रिंक के बनाता है देता है तो उसका एक फूड का यूनिट छूटता है, ठीक है। तो उसको तो सिर्फ 2 यूनिट्स ड्रिंक के बनाकर ही एक फूड का जो क्या कहते हैं यूनिट है वो मिल रहा है, तो उसका भी फायदा हो रहा है यहाँ पर। इसलिए सी इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू गॉट इट।